तो दोस्तों ये है टार्जन कार जो मेरे भाई ने मेरे लिए भेजी है खास। और भाई इसे अभी जो है कि ये ड्राइवर स्विफ्ट कर रहा है और जो है कि इसे गैरेज में खड़ा कर रहा है, लेकिन मैं तो अभी घर से बाहर हूँ, तो भाई ये ड्राइवर जो है कि इसको ठीक ठाक खड़ा ही कर दे, वरना क्या पता कि यार इस गाड़ी को तोड़ वोड़ ना दे। बस यार ये ठीक से खड़ा कर दे, बाकी जो है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। बाकी ये कार देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है और भाई न्यू अपडेट के बाद काफ़ी सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में। और अगर तुमने अभी तक अपडेट नहीं किया तो भाई ये अपडेट कर लो। बाकी मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लेट ला रहा हूँ क्योंकि उसकी भी एक वजह है, तो मैं भी पता होगा कि यार अभी एग्ज़ाम का चक्कर और रिजल्ट वगैरह तो तुम समझ गए होगे। लेकिन भाई मैं तो बातों ही बातों में काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया है और भाई मेरा गैरेज तो यहीं पर है, तो भाई ये रहा मेरा गैरेज। ओ भाई ये देखो कार, भाई बिल्कुल मज़ा ही आ गया, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी टार्जन द वंडर कार वाला सीन हो जाए और भाई ये कार ऑटोमेटिकली चलने लगे। तो फाइनली दोस्तों अपने कार की मुंह दिखाई करते हैं और ये रही वो कार जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई और ये टार्जन द वंडर कार मेरे सामने वाली गैरेज में है। लेकिन जो है कि अभी जो है कि इसको लेके निकल चुके हैं हम और इसकी टेस्ट ड्राइविंग ले रहे हैं, ठीक ठाक ही चल रही है यार ये कार, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इन अंदर से इसका इंटीरियर देखें, लेकिन यार रोड पे ना काफ़ी ज़्यादा फिसल रही है, ये देखो भाई कितनी बुरी तरीके से फिसल रही है। वो तो मैं हैवी ड्राइवर हूँ, इस वजह से ये कार ठुकी नहीं, वरना कोई और होता तो अब तक इसको ठोक देता। लेकिन जो है कि यार हम टेक्नो गेमर से थोड़ी ठीक ठाक ही चलाते हैं गाड़ी। मजाक कर रहा था भाई, उनकी तो ड्राइविंग ही एक नंबर वाली है। फिलहाल जो है कि यार इस कार को चलाने में मुझे अभी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, ड्रिफ्ट तो ठीक ठाक थी लेकिन जो है कि यार फिर भी रोड पे काफ़ी ज़्यादा फिसल रही है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब इसे मॉडिफाई करा लें, तो मॉडिफाई कराने के लिए आप इसे ले जाते हैं शोरूम, शोरूम नहीं मतलब मॉडिफिकेशन कार शोरूम, हाँ वहाँ पर जो है कि इसकी आराम से हो जाएगी। और जो है कि भाई देखो यार कितना ज़्यादा फिसल रही है, तो भाई चलो शोरूम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं आसपास ही है। ओ भाई गलत जहाँ पे आ गया, बहुत दिन बाद चला रहा हूँ भाई, जो है कि शहर से भूल चुका हूँ और शोरूम की यहाँ पर ढेर सारी नई दुकानें खुल रही हैं। ये आ गया चलो हमारा शोरूम और अभी जाके अंदर बात करके आते हैं कि हमारी ये कार मॉडिफाई हो पाएगी या नहीं। और अभी जो है कि यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्राइस इसका मांगेंगे, भाई ज़्यादा ना मांगे यार। तो अभी हमारी अंदर बात हो चुकी है और दोस्तों जो है कि यार पैसा तो काफ़ी अच्छा मांगा है इन्होंने, और लेकिन बोला है कि सर्विस काफ़ी अच्छी देंगे और काफ़ी अच्छे से मोटिवेशन दे देंगे। और जैसा कि मैंने इनको अपनी समस्या बताई थी उसी समस्या का ये समाधान करेंगे काफ़ी अच्छे से। और इन्होंने बोला है कि कार रोड पे फिसलना तो छोड़ो, सामने वाली कारें फिसल जाएंगी, इसे ऐसा मॉडिफाई करेंगे। तो इनका सामने वाला गैरेज खाली है, तो भाई अभी मुझे इस कार को यहाँ पर ही रख जाना है और जो है कि भाई इसे जो है कि अगले दिन आके ले जाना है। तो भाई एक दिन में ना जाने ऐसा ये क्या ही कमाल कर देंगे इस कार का, कहीं यार इसे मूवी वाली टार्जन ना बना दे जो अपने आप चलने लगे, कतई टेस्ला कार बना दे इसको नेक्स्ट डे। तो दोस्तों दिन तो बदल गया लेकिन मेरी कार कितनी ज़्यादा बदली है ये अब पता चलेगा। और भाई जो है कि यार इनका कॉल आया था यार, और भाई मैं जो है कि अपने भाई को भी कॉल करके बता दूँ मैं शोरूम आ चुका हूँ। तो अभी मेरी अंदर से बात हुई और अभी मुझे पता चला कि इन्होंने कर दिया और पेमेंट मुझसे ले ली भाई इन्होंने पूरी, काफ़ी अच्छी पेमेंट की। लेकिन भाई ये क्या बना दिया इसको, इसे देख के तो भाई मुझे खुद ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन सामने वाले की हालत हुई कुछ पता नहीं। और अभी जो है कि यार इस कार को मुझे यहाँ से निकालना है, लेकिन क्या मैं इस कार को यहाँ से निकाल लूंगा क्या यार, इस कार को यहाँ पर खड़ा ही क्यों कर दिया, कि इस नीचे खड़ा नहीं कर सकते थे यार, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन निकाल ही लूंगा यार कैसे भी ना कैसे, क्या यार मतलब यार कार में तो दम आ गया, जो है कि यार मॉन्स्टर ट्रक बना दिया इन्होंने यार। टार्ज दो घंटे बाद, दो घंटे से यहाँ पे जो है कि ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक मेरी कार बाहर नहीं निकली है, लेकिन जो कि अब निकलने वाली है दोस्तों। और भाई मॉन्स्टर ट्रक की ताकत देख रहे हो, शायद भाई सामने वाली चीज़ें टूट जाए कार को कुछ नहीं होने वाला, पैसे तो अच्छे लिए हैं लेकिन कार की सर्विस भी अच्छी करके दी है, लेकिन यार इसको मॉन्स्टर ट्रक बना दिया, क्या यार ये मेरे गैरेज में खड़ी हो भी पाएगी। और भाई सामने वाली कार का तो नया नया क्या ही हाल हो जाएगा, तो मुझे तो रोड पर ना भाई कोई भी टेंशन नहीं है, चाहे सामने से ट्रक आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए भाई, क्योंकि ये मॉन्स्टर ट्रक है भाई, सामने वाली कार का ना इतना बुरा हाल करेगा, इतना बुरा हाल करेगा देख कर ना भाई कार वाले भी डर जाएं। खैर वो सब ठीक है यार, लेकिन मॉन्स्टर ट्रक भाई साहब मैंने सोचा नहीं था कि इसकी मॉडिफिकेशन में ये मुझको, ओ भाई तुमने देखा कि भाई सामने वाली लैम्बोर्गिनी को यार जो है कि टक्कर लगी और भाई उसका क्या हाल हो गया। नहीं मॉन्स्टर ट्रक को कुछ नहीं पड़ा, एक और देखते हैं। ओ भाई साहब लेकिन बुगाटी भी यार मजबूत निकली यार, जो है कि उसके ऊपर से होमकर हमारी कार निकल गई। ओ भाई रेल की पटरियों पर भी अपनी कार
कार काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, तो भाई ये भाई पहाड़ों पे भी मस्त चल रही है। लेकिन भाई नहीं, बुगाटी वाले की गाड़ी की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है, और भाई साहब मज़ा आ रहा है भाई कारू चलाने में। अब सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या ये गैरेज के अंदर जा पाएगी? मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जो है कि यार मैं एक बार घुस कर देखता हूँ। भाई घुस गई, भाई घुस गई, ये दीवार के आर पार जा रही है, तुम देख सकते हो भाई साहब दीवार के आर पार। टार्जन दी वंडर कार वाली मूवी देखी थी ना तुमने, उसको भी जो है कि यार इसने फेल कर दिया है, तो उसका पार्ट टू कमिंग सून है, और उसमें मैं इस वाली कार को लेकर जाऊंगा, और भाई काफ़ी भयानक रूप में है। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करके बता देना, और भाई कमेंट में ज़रूर बताया करो कि तुम्हें कौन सा गेम पसंद है। बाकी तुम यार चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की यार सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाओ यार थोड़ा, यार हमारी भी जो है कि यार थोड़ा सपोर्ट करा करो भाई, क्या यार तुम सपोर्ट नहीं करते हो। बाकी यार जो है कि वीडियोज़ अब रेगुलर रहेंगी, तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ।